हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीमन। तो आज हम दोबारा से भूगोल का टेस्ट करेंगे, और जैसा हमने लास्ट वीडियो में टेस्ट किया था तो बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो बच्चे लेकर आए थे। तो जिसमें मैं आपको बता दूं कि आर के चौधरी हैं, जिन्होंने 22 मार्क्स लिए थे 25 क्वेश्चन में से। ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा जो है योगेश थे, गौरी थी, ठीक है, और विनीता चौधरी, जिनके तो 25 में से 25 ही राइट सही हुए थे। रितेश चौधरी हैं, ठीक है, पूजा कुमावत हैं, जिनके आंसर सही गए हैं, तो वो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। महेश मेहरा हैं, रेनू झाकड़ हैं, ठीक है, सुशीला हैं, संगीता वर्मा हैं, मीना कुमारी हैं, पूजा कुमावत हैं, गायत्री पुनिया, ये ऐसे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल सिंसियर पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं से भी आप कर रहे हो, बहुत मन लगा कर करिए, ठीक है। चिंटू कुमार हैं, इनके भी 20 मार्क्स जो हैं वो आए थे। एस एम भजिया रिंगस से, इनके 23 आए थे। अब देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है एक क्वेश्चन पूछा था कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे, को क्या कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन जो है, जहाँ पर अक्ष था, ग्रिड था, ठीक है, गौर था और कटिबंध था, यही क्वेश्चन था ना। अब जिन्होंने तैयारी की है बहुत अच्छे से, मेहनत कर रहे हैं जो, तो वो बिल्कुल, उनको पता लग जाता है किस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि केवल तीन बच्चे जो हैं, तीन स्टूडेंट, केवल उन्हीं ने इस चीज़ को पकड़ पाया कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो बाकी बच्चे जो हैं वो ऐसे ही जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान दें। यहाँ पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, तो इनके बीच की जो दूरी है उसको क्या कहेंगे। मैंने आपको जब आंसर बताया था इसका गौर, तब मैंने आपको साथ में ये भी बोला था कि इसका आंसर क्या गौर होगा, क्या मैं सही हूँ, तो आपको देखना चाहिए था, ठीक है। तो इसको चेक करिएगा। वो चेक करने का मतलब क्या, ये कहना था मेरा कि कोई भी ऐसे ही क्वेश्चन करवा दें आपको तो आप जो है वो उस चीज़ को याद कर लें, ऐसा नहीं है। टॉपिक आपको बताया गया है तो आप अच्छे से पढ़ के आए हैं, इसका मतलब हर क्वेश्चन का ऑप्शन, अगर यहाँ पर गलत अगर बोल रही हूँ मैं, तो आपको सही का पता होना चाहिए, ठीक है। आंसर को तो मैं बताऊंगी ही, सही आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने आपको यही बोला था कि इसका आंसर क्या होगा, अक्ष होगा, ग्रिड होगा, गौर होगा या कटिबंध होगा, क्या होगा इसका आंसर। मैंने आपको इसका आंसर गौर बता दिया और कहा इसको ध्यान देना क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो तीन ही बच्चों ने जो है वो ध्यान दिया और बताया इसका आंसर क्या होगा, गौर नहीं होगा, कटिबंध होगा। तो ये बच्चे जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाई होती है, जहाँ पर पता लग जाता है, कई बार जो है वो कंप्यूटर से ही गलत टाइप होके आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर राइट क्या है, ठीक है। और जबकि मैंने आपको बोला था गौर करना, आप देखिएगा, तो केवल तीन ही बच्चों ने देखा। इसका मतलब ये है कि जो 700-800 जो बच्चे हैं वो यूं ही केवल टेस्ट देते हैं ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए। सिंसियर होकर पढ़ाई करिए आप, जहाँ से भी आप कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन वन देखें, लाल आंकड़ा किताब, रेड डाटा बुक किसके द्वारा बनाई जाती है। अब ये जितने भी टॉपिक हैं, जो भी क्वेश्चन आज मैं लेकर आई हूँ, टॉपिक आपको बता दिया तो आप अच्छे से पढ़ के आए हो, तभी तो आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो लाल आंकड़ा किताब किसके द्वारा बनाई जाती है, बताइए फटाफट, कौन सी संस्था है, UNDP, IUCN, UNO, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या रहने वाला है। सही बताना है आपको, गलत नहीं बताना है, ठीक है। फटाफट से जो है वो आंसर अपने बताते जाइए। अब मेरा काम तो है आप लोगों को बोलना कि आप लोग पढ़ाई करिए, अच्छे से करिए, क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या देते हैं। तो आंसर बताइए, UNDP, IUCN, UNO या USA। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर, इसका रहेगा आंसर जो है UNDP, सही रहेगा, UNO, USA नहीं, इसका आंसर जो सही रहेगा वो रहेगा IUCN, ठीक है। इसकी जो है फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन
ऑफ नेचर। ठीक है, तो वन्य जीव से संबंधित टॉपिक है आपके, वनों से संबंधित टॉपिक है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, तो आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जेम्स कर्नल टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ने किसे संतों का शिखर कहा है? माउंट एवरेस्ट को, हिमालय के सभी शिखर को, गुरु शिखर को, या कंचनजंगा को? फटाफट से आंसर दें, किसे कहा है संतों का शिखर कर्नल जेम्स टॉड ने? क्या रहेगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल आंसर क्या रहेगा इसका? गुरु शिखर। ठीक है, इसे संतों का शिखर कहा गया है। किसने कहा है? कर्नल जेम टॉड ने। कहाँ पर है गुरु शिखर? सिरोही में है। ठीक है, पूछा जा सकता है। 1722 मीटर जो है ऊंचाई है इसकी। नेक्स्ट देखें, अपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? वनों से संबंधित ही प्रश्न है ये वाला भी। अपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या असम? तो देखिए, सेकंड ग्रेड के बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उनको इसका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए कि अपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का आपका पेपर होने वाला है, पता होना चाहिए आपको। थर्ड ग्रेड में वन वन्य जीव संरक्षण ये सब कुछ आएगा, तो आपको ये सभी चीज़ें याद करनी होंगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। और अपिको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों की कटाई जो हो रही थी, तो उसके लिए ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, जिस तरीके से हिमालय में, उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन है, उसी तरीके से है अपिको आंदोलन। तो पेड़ों को बचाने के लिए लोग इससे चिपक गए थे। नेक्स्ट देखें, किसे आड़ा वाला पहाड़ कहा जाता है? किसे आड़ा वाला पहाड़ जो है वो कहा जाता है? अरावली को, गुरु शिखर को, सांबर झील को, या इनमें से कोई नहीं? आड़ा वाला पहाड़ किसको कहा जाता है? फटाफट से आंसर दें, आड़ा वाला पहाड़ किसको कहते हैं? अरावली को, गुरु शिखर को, सांबर झील को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अरावली। ठीक है, अगला देखें, सतलज नदी किस नदी से मिलते हुए सिंधु नदी में गिरती है? सतलज नदी किस नदी से मिलते हुए सिंधु नदी में गिर जाती है? झेलम, चिनाब, रावी या व्यास? तो भारत के उत्तरी भाग जो है, तो जहाँ हम ये सभी नदियाँ जो हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। पूछा है सतलज नदी किस नदी से मिलते हुए सिंधु नदी में गिर जाती है, तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा व्यास नदी। क्वेश्चन 6 देखें, डेल्टाई भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र जल धाराओं में बट जाती है, इनमें से नहीं है सांगपो, मधुमती, हुगली और पद्मा। डेल्टाई भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र जल धाराओं में बट जाती है, इनमें से नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो रहेगा सांगपो। ठीक है, अगला देखें, सिल्लीसेठ झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इम्पोर्टेंट है, सिल्लीसेठ झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, उदयपुर या बीकानेर? तो आंसर बताइए इसका, सिल्लीसेठ झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, राजस्थान के जीके में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको इतने अच्छे से डिटेल में हर चीज़ समझाई है कि आप कभी नहीं भूल सकते। यहाँ आंसर जो है क्या रहेगा? अलवर रहेगा। ठीक है, सिल्लीसेठ झील भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित एक झील है, और इसको किसने बनवाया? तो इसको जो है महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था। ध्यान देना है, अपनी पत्नी के लिए जो है यहाँ एक शाही महल बनवाया, लॉज बनवाया, और अभी जो है वर्तमान में अगर हम देखें तो लेक पैलेस होटल के नाम से ये चल भी रहा है। ठीक है, झील के जो है वो आप देखेंगे ऊंचाई पर जाकर जो है वो होटल जो है वो यहाँ पर चल भी रहा है। ठीक है, और जो इसको कौन संचालित कर रहा है इस होटल को? राजस्थान पर्यटन विभाग, याद रखना। क्वेश्चन 8 है, टैगा वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? टैगा वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? शीतोष्ण वनों को, कोणधारी वनों को, भूमध्य सागरी वनों को, या इनमें से कोई नहीं?
बताइए फटाफट से इसका सही आंसर कि टैगा वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है, ये वन जो है वो कहाँ मिलेंगे, किन प्रदेश को जो है, किन जो कॉन्टिनेंट हैं उनको हम कहेंगे टैगा प्रदेश। फटाफट से बताइए टैगा वन जो है किस प्रकार के वनों को कहा जाता है। तो बिल्कुल जिनको पता है उनका उत्तर सही है, कोणधारी वन जो है इनको हम टेगा वन कहते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें उत्तरी अमेरिका और हम देखते हैं यूरेशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया जिसको यूरेशिया भी कहा जाता है, तो यहाँ जो है कोणधारी वन मिलेंगे और इसको जो है हम क्या कहते हैं, टेगा प्रदेश कहते हैं। ध्यान देना कि टैगा प्रदेश जो है वो हम किन्हें कहते हैं, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के भाग को। यहाँ जो है वो बहुत सर्दी पड़ती है, आपको पता है टैगा प्रदेश जो है वो उत्तरी जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिण गोलार्ध है। ठीक है, तो यहीं पर मिलेंगे टैगा वन, कहाँ मिलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में मिलेंगे। ठीक है, और ये प्रदेश जो है वो उत्तर में टुंड्रा प्रदेश और दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि के बीच में स्थित होते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसलमेर झील के मध्य स्थित सबसे बड़े छोटे टापू का क्या नाम है। जैसलमेर झील के बीच में जो है टापू हैं, इसमें सबसे छोटे टापू का क्या नाम है, प्यारी, बाबा का भागड़ा, प्रियसी या तोरण, बताइए फटाफट से इसका आंसर। फटाफट से बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगी कि जैसलमेर झील के बीच में स्थित सबसे छोटे टापू का क्या नाम है, क्या नाम है छोटे टापू का। तो देखिए आपको पता है कि जैसलमेर झील जो है वो एशिया की दूसरी सेकंड नंबर पर आने वाली सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, कहाँ है, उदयपुर में है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसलमेर झील का अन्य नाम क्या है, इसको हम डेवर झील भी कहते हैं, डेवर झील। ठीक है, और इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका रहेगा आंसर छोटे टापू को कहा जाता है प्यारी। अगला देखें, बैरन व रुथलैंड द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है। बैरन व रुथलैंड द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है, लक्षद्वीप समूह, श्रीहरिकोटा द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर दें इसका कि बैरन और रुथलैंड द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है। तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चन को करने में यदि आप पढ़कर आए हैं, यदि पढ़कर ही नहीं आए हैं तो उनको मजा नहीं आता है, उनको क्या लगता है क्वेश्चन कहाँ से आ गया ये। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो 6 से 12 तक की बुक से ही है। ठीक है, जो बुक पढ़ रहे हैं उनको पता है, जो नोट्स देख रहे हैं उनको भी पता है। तो बताइए बैरन और रुथलैंड द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय मानसून वापसी काल किस ऋतु से संबंधित है। भारतीय मानसून वापसी काल किस ऋतु से संबंधित है, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु या शीत ऋतु। तो बताइए मानसून जो है वो कब आता है, आता है मानसून तो बारिश लेकर आता है। ठीक है, अब ये है लौटता मानसून, मानसून वापसी काल, मानसून वापस जा रहा है यानी बारिश जो है वो उसके बाद का समय। तो बताइए किस ऋतु से संबंधित है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तब भी आप इस पर पहुंच सकते हो कि भारतीय मानसून वापसी काल। ठीक है, पता नहीं होता है फिर भी आप जो है वो इसका आंसर पता कर सकते हो, ये गलत है, शरद ऋतु इसका सही आंसर होगा, मानसून वापसी काल। पहले जो है वो गर्मी पड़ती है, गर्मी के बाद जो है वो क्या आता है, मानसून आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है सर्दी जब आ रही होती हैं, शीत ऋतु जब आ रही होती है, उसके बीच का जो समय है वो है शरद ऋतु का, जिसे कि मानसून वापसी काल कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि मानसून वापसी काल जो है वो किसको कहते हैं, शरद ऋतु को कहा जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से तमिलनाडु, तमिलनाडु के तट पर
ठीक है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि दिसंबर जनवरी में वर्षा होती है मानसून वापसी काल के समय। अगला देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किनारों पर कौन से वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? नारियल के वृक्ष, चीड़ व देवदार के वृक्ष, सागवान के वृक्ष या सुंदरी वृक्ष? तो बताइए इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा सही, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किनारों पर कौन से वृक्ष जो है वो बहुतायत पाए जाते हैं? नारियल के वृक्ष, अब बताइए नारियल के वृक्ष अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां नारियल के वृक्ष हाँ मिलते हैं, केरल के तट पर मिलते हैं, वहां पर भी मिलते हैं, ठीक है। चीड़ और देवदार के वृक्ष, ये तो गलत ही हो गया, जहां अधिक सर्दी होती है वहां मिलेंगे ये, ठीक है। और सागवान के वृक्ष बताइए, सुंदरी वृक्ष क्या रहेगा? यहाँ जो आंसर रहेगा वो रहेगा सुंदरी वृक्ष। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय चक्रवात द्वारा वर्षा किस फसल के लिए वरदान कहलाती है? खरीफ की फसल, जायद की फसल, उपरोक्त दोनों या रबी की फसल? पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय चक्रवात द्वारा वर्षा किस फसल के लिए वरदान कहलाती है? तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वायुमंडल, पवने, चक्रवात, ये सब कुछ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा रबी की फसल के लिए वरदान है, ठीक है। इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। काली मिट्टी में किन खनिजों की अधिकता होती है? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों में जो है वो आपके कृषि, फसलें, उद्योग, मिट्टी सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ जाएगा। काली मिट्टी में किन खनिजों की अधिकता होती है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, सीसा और जस्ता, लोहा व टंगस्टन। काली मिट्टी जो कि कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है, ध्यान देना है कि काली मिट्टी जो है उसमें किन खनिजों की अधिकता होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लोहा और एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता होती है, ठीक है। और ये जो मिट्टी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आपको ये काली मिट्टी मिलेगी, ठीक है। कपास के लिए बहुत उपयोगी है ये मिट्टी। राजस्थान में विश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कितने सूत्र बताए गए हैं? अब ये जो क्वेश्चन है ये आपकी हिस्ट्री में भी है, ये आपकी ज्योग्राफी में भी है, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कितने सूत्र बताए गए हैं? नाम से ही जो है वो पता लग रहा है कि जो राजस्थान में विश्नोई समाज है इसके इसमें पर्यावरण वरण संरक्षण से संबंधित कितने सूत्र बताए गए हैं? तो अगर आप विश्नोई, विश्नोई किससे बना है? 20 + 9, 20 + 9 कितना हो गया? 29 सूत्र, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित? बेंगलोर, नागपुर, कोलकाता, देहरादून। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल इसका आंसर रहेगा नागपुर, ठीक है। याद रखना है इसको जो है हम नीरी भी कहते हैं, नीरी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान को नीरी भी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में भी आपको लिखा मिल सकता है। तो नागपुर में है और ये पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान और व्यवहारिक सुझाव देता है, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान राज्य का जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या जयपुर? तो बताना है आपको इसका आंसर क्या रहेगा। राजस्थान राज्य का जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है जयपुर। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, केरल में है, असम में है या मध्य प्रदेश में है?
शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली, ठीक है, याद रखना है, शांत घाटी बोले या साइलेंट वैली बोले। तो ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, केरल में है, असम में है या मध्य प्रदेश में है? तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है वो क्या है? केरल राज्य। अगला देखें, स्वतंत्र भारत की पहली जल परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली जल परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नाकल परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना या पांचना बांध परियोजना? तो देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली जल परियोजना कौन सी है? वो है दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हम 20 क्वेश्चन पर आ गए हैं कि खरीफ की फसलों की बुआई का समय होता है, खरीफ की फसलों की बुआई का समय होता है अगस्त सितंबर, दिसंबर जनवरी, जून जुलाई या मार्च मई। बताइए कि खरीफ की फसलों की बुआई का समय होता है अगस्त सितंबर में, दिसंबर जनवरी में, जून जुलाई में या मार्च मई में? तो आंसर जो रहेगा वो है जून जुलाई में। नेक्स्ट देखें, भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पर आता है? भारत गेहूं के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर आता है? थर्ड नंबर पर, फर्स्ट पर, सेकंड या फिफ्थ नंबर पर? तो बताइए, भारत में गेहूं, गेहूं जो कि कैसी फसल है? खाद्यान्न फसल है, ठीक है। तो उत्पादन की दृष्टि से विश्व में किस नंबर पर आता है भारत? तो क्वेश्चन 21 का आंसर है कि भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। अणुशक्ति खनिज के उदाहरण नहीं है, अणुशक्ति खनिज के उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट या जीनॉन, बताइए। तो खनिज का टॉपिक जो है वो आपने सिलेबस देखा है बहुत अच्छे से, बार बार मैं इस चीज़ को बोलती हूँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो पता होना चाहिए ये जो क्वेश्चन है वो हमारे किस टॉपिक से आया है। अणुशक्ति खनिज के उदाहरण नहीं है, तो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाले हैं। तो आंसर रहेगा इसका जीनॉन, ठीक है। इसके अलावा जो है थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट, ये सभी एग्जाम्पल हैं अणुशक्ति के। भारत में सर्वाधिक गैलेना का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। भारत में सर्वाधिक गैलेना का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए ये आंसर इसका। तो सबसे ज्यादा गैलेना का उत्पादन जो है वो कौन सा राज्य करता है? इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान, ठीक है। तो आप राजस्थान के निवासी हो, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो है वो गैलेना का उत्पादन किया जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1951 में, 1947 में, 1948 में या 1984 में? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? अब इस क्वेश्चन के लिए कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको आता है तो आप सही करोगे, और इसमें आपको जो है वो 2 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब की गई? जनसंख्या से संबंधित प्रश्न 1888, 1957, 1948 या 1881? तो ये पूछा है प्रथम व्यवस्थित जनगणना। तो यदि आंकड़ों की बात करें, आपने जनसंख्या का टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें तीन तो आपको देखते ही गलत लग रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है 1881 में सबसे व्यवस्थित जनगणना होती है। पाइपलाइन का प्रकार किस प्रकार के परिवहन के अंतर्गत आता है? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन या इनमें से कोई नहीं? पाइपलाइन का प्रकार किस प्रकार के परिवहन के अंतर्गत आता है? अब इसका आंसर जो है वो मैं नहीं देने वाली हूँ, आप लोग कमेंट में जो है वो इसका आंसर देंगे कि पाइपलाइन का प्रकार जो है ये किस प्रकार के परिवहन के अंतर्गत आएगा। बताइए, स्थल के, जल, वायु, ये
आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगी। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है बताइए? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। कंफ्यूजन आपको ए और बी में ही हो रहा है। आंसर इसका जो सही रहेगा वो क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 27 आंसर रहेगा इसका, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है, सागरमाला परियोजना 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों का विकास करना, वन्य जीवों का विकास, जल स्रोतों का विकास या बंदरगाहों का विकास? तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? तो देखिए, जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए जो है सागरमाला परियोजना जो है वो स्टार्ट की। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है कि जो पोर्ट होते हैं तो उनके विकास को बढ़ाया जाए। ठीक है, जो बंदरगाह होते हैं उनके विकास को बढ़ाया जाए। तो इसका आंसर जो रहेगा वो है बंदरगाहों का विकास। देवारी से उदयपुर जाने वाली पाइपलाइन किस पदार्थ के परिवहन से संबंधित है? लोहा, एल्यूमिनियम, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, पानी या सीसा व जस्ता? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या रहेगा? काफी क्वेश्चन आज हमने किए हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, यदि आपको नहीं पता है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है बच्चों को, सीसा और जस्ता। राजस्थान में प्रथम रेल आगरा फोर्ट से कहाँ चलाई गई? बांदीकुई, थाने तक, मुंबई तक या जयपुर तक? बताइए, राजस्थान में जो पहली रेल आगरा फोर्ट से लेकर कहां तक चली और कब चली ये भी बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर दें। तो बुक में जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान में प्रथम रेल जो है वो आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई तक चलाई गई थी। कब चलाई गई? 1874 में चलाई गई। ठीक है, रेड कोर के विस्तारित रूप में आई का क्या अभिप्राय है? यहाँ पर जो आई है इसका क्या अर्थ है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है, तब आप इसका आंसर बता पाओगे। तो बताइए, RIDCOR इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये बता देती हूं मैं आपको कि परिवहन से संबंधित है ये शब्द। ठीक है, तो यहां जो आंसर रहेगा वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। आर से है रोड, ठीक है, आई से है इंफ्रास्ट्रक्चर, डी से है डेवलपमेंट, सी से है कंपनी, ठीक है, ओ से है ऑफ और आ से है राजस्थान। तो ठीक है, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कंपनी ऑफ राजस्थान। तो आज हमने किए हैं 31 क्वेश्चन। ठीक है, इतने मार्क्स जो हैं वो आपने लिए हैं 31 में से बहुत ही ईमानदारी से। जो नहीं आए हैं इनको आप दोबारा से जो है वो देखिएगा टॉपिक में, अपने ढूंढिएगा कि कहाँ पर जो है ये चीज़ लिखी हुई है। तो चलिए, इसी तरीके से तैयारी होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।